नमस्ते प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 ऑफ 11th क्लास फिजिक्स। ये नीट में भी है, जेई में भी है, सभी कंपटीशन में है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल सकते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 3। क्या क्या हमें सीखना है इस चैप्टर में? इंट्रोडक्शन, पोजिशन, पाथ, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, इनमें क्या डिफरेंस होता है, हाउ टू डिफाइन देम, क्लैरिटी के साथ हमें समझना है, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं बच्चों, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। देन हम डिस्कस करेंगे समरी पॉइंट्स टू पॉन्डर, एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो हाइलाइटर लेकर बैठें, एक छोटा रजिस्टर और पेन लेकर बैठें, कुछ चीज़ें जो आपको लिखकर नोट करनी होंगी, कुछ बुक में आपको मार्क करना होगा, तो वो समझते चलें साथ में। मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, सही है, बिना मोशन के तो दुनिया रुक जाएगी। वी वॉक, रन एंड राइड ए बाइसिकल, इवन वेन वी आर स्लीपिंग एयर मूव्स इन टू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स and blood flows in arteries and veins. We see leaves falling from trees and water flowing down a dam. अभी आज की खबर है बच्चों अखबार में, अमेरिका में दो डैम टूट गए जो 95 years old थे, पूरा 95 साल पुराने थे, और उसकी वजह से बाढ़ आ गई। Automobiles and planes carry people from one place to the other. तो lockdown के इस period में डोमेस्टिक फ्लाइट्स चालू होने वाली हैं 25 तारीख से। द अर्थ रोटेट्स वंस एवरी 24 आवर्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन ए ईयर, ये सब अलग अलग तरह के मोशन है। द सन इटसेल्फ इज इन मोशन इन द मिल्की वे, पहले माना जाता था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी, पहले मानते थे कि भाई अर्थ रेस्ट पर है, सन चक्कर लगा रहा है चारों तरफ इसके, बाद में हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई, which is again moving within its local group of galaxies. तो almost सभी objects किसी ना किसी reference के respect में motion में हैं। Motion होता क्या है? तो पहली definition जो आपको underline करनी है, motion is change in position of an object with time. तो इसको हम कहते हैं motion. How does the position change with time? कैसे change होती है समझेंगे? In this chapter we shall learn how to describe motion. For this, we develop the concepts of velocity and acceleration. ये नई terms आ जाएंगे जिनसे आपको familiar होना है. Already आप familiar हैं, छोटी class में आपने इनके बारे में पढ़ा है. We shall confine ourselves to the study of motion of objects along a straight line, also known as rectilinear motion. जो इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ rectilinear motion को हम discuss करने वाले हैं. For the case of rectilinear motion with uniform acceleration, a set of simple equations can be obtained, जिनको हम न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, तो वो हम डिराइव करेंगे इस चैप्टर में। और जब 11th क्लास का एग्जाम होता है, तो ये एक डेफिनेट क्वेश्चन होता है जो पूछा ही जाता है, जब भी सिलेबस में चैप्टर होगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिराइव करवाया जाएगा, हम वो सीखेंगे। फाइनली टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन, जैसा मैंने आपको बताया रिलेटिव वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। बच्चों आपको समझना है एनसीईआरटी में हर चैप्टर में, ये जो शुरू में पहले पेज या दूसरे पेज पे ऐसा ना ऐसा कोई ना कोई पैराग्राफ होता है जिसमें वो सारी डिटेल आ जाती है जो जो उसके आउटकम है, यानी जो आपको उस चैप्टर में सीखना है वो सारी डिटेल आप देखोगे इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये सब हमें इस चैप्टर से समझना है, सीखना है, ऐसा बोलेंगे। तो उसको मार्क कर सकते हैं हम। वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी के बाद, इन आवर डिस्कशन वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप सीखेंगे वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, जो आगे भी काम आएगा, 12th क्लास में भी काम आएगा। जब भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंसेस उस ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेरिजन में अगर बहुत ज्यादा है, मान लीजिए ये पेन, इसकी लेंथ जो हमने नापी भी थी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, मान लीजिए 14.6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और
इसको मैं फेंकता हूं और ये जाकर गिरता है 50 मीटर दूर। इतनी जोर से मैंने फेंका, 50 मीटर दूर जाकर गिरता है। तो 50 मीटर के कंपैरिजन में 14 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर कितना है? तो 15 सेंटीमीटर, अब मैं दोनों को कंपेयर करना, तो यूनिट सेम करना जरूरी है, तो मैं यूनिट सेम करता हूं। तो ये है पॉइंट, मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर होगा 0.15 मीटर। अब 0.15 मीटर 50 मीटर के कंपैरिजन में अगर मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ट्रीट करूंगा एज ए पॉइंट, यानी इसको पॉइंट मानते हुए इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा जो इसने ट्रेवल की। पर अगर नहीं, तो फिर हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। This approximation is valid so far as the size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time. तो ये concept है point object का, आपको इसे भी underline करना है कि कब point object कहेंगे किसी object को। In a good number of situations in real life, the size of objects can be neglected and they can be considered as point-like objects without much error. कार का जो साइज है और कार जो डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है, ट्रेन लंबी लंबी होती है, पर अगर वो ट्रेन मान लो 500 मीटर लंबी भी है या 1 किलोमीटर लंबी भी है, मान लो बहुत लंबी ट्रेन है मालगाड़ी, पर वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो मान लीजिए 5000 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको ट्रीट करेंगे एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। इन काइनेमेटिक्स, अब ये भी समझ लीजिए, एक होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है काइनेटिक्स, दोनों में क्या अंतर है? अगर ये एम हटा दिया जाए तो जो बनेगा काइनेटिक्स, एम और ए को हटा दिया तो काइनेटिक्स बनेगा। तो काइनेटिक्स में हम मोशन के साथ साथ कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स, मोशन कब होगा? जब फोर्स लगेगा, तो कॉज ऑफ मोशन को भी पढ़ते हैं। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के साथ साथ कॉज ऑफ मोशन को भी पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं काइनेटिक्स। तो आगे लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है वो काइनेटिक्स का पार्ट है, और जिसमें हम प्योरली शुद्धता सिर्फ और सिर्फ मोशन को पढ़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो जिसमें एम आ रहा है उसमें हम प्योरली मोशन को पढ़ने वाले हैं, और जिसमें एम और ए नहीं आएंगे काइनेटिक्स, उसमें हम मोशन के साथ साथ उसके कॉज, कारण को भी पढ़ेंगे। We study ways to describe motion without going into the causes of motion. क्योंकि cause में चले गए तो बन जाएगा kinetics. What causes motion described in this chapter and the next chapter forms the subject matter of chapter 5, जो कि kinetics को belong करता है। तो ये समझते हुए हम चलते हैं। बच्चों NCERT बहुत जरूरी है, चाहे जो भी exam आप भारत में होने वाला देने वाले हैं, चाहे competition। आप हर टॉपर का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि एनसीईआरटी थॉरो किए बिना पॉसिबल नहीं है, और ये जो हम एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहे हैं इस तरह से, तो आप देखेंगे एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपको क्लियर हो जाएगी। तो अभी कंसेप्ट हमें समझना है आर्टिकल 3.2 में, पोजीशन क्या है, पाथ लेंथ क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अर्लियर यू लर्नड दैट मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। In order to specify position, we need to use a reference point. Position to kiske respect mein? To ek reference chahiye humko. And a set of axes. Axes ki zarurat padegi. It is convenient to choose a rectangular coordinate system consisting of rectangular ke alawa aur kaun sa coordinate system aap jante hain ya jisse familiar hona hai? Aage dekhenge, ek hota hai polar coordinate system. यह है रेक्टेंगुलर, एक होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंसिस्टिंग ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस लेबल्ड एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन ओ एंड सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट। तो ये हमें समझना है रेफरेंस पॉइंट को और इन एक्सेस को। तो मैं बनाकर आपको बता देता हूं, वैसे तो आप में से सभी जानते हैं, फिर भी ये कुछ इस तरह से है। कन्वेंशनली
हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेस लेते हैं उसको एक्स से दिखाते हैं, वर्टिकली जो लेते हैं उसको वाई से दिखाते हैं, हालांकि इनको हम चेंज कर सकते हैं और ये हो गया जेड एक्सिस, और जहां तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया ओरिजिन, और इनके जो रिवर्स हैं उल्टा अगर चले जाएं तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू मेजर टाइम वी पोजिशन ए क्लॉक इन दिस सिस्टम, मान लीजिए इसमें हमने घड़ी को रखा, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम बिलोंग विद ए क्लॉक कंस्टिट्यूट्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक नई टर्म आगे बच्चों, इससे फैमिलियर होना है आपको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट अभी हमने ओरिजिन को माना है, देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं, इन वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी इफ यदि वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, समय के साथ बदल रहे हैं, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो हम बोलेंगे वो मोशन में है, अदरवाइज द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट। तो लॉकडाउन पीरियड में आपका जो मोशन है वो लिमिटेड है, तो रेफरेंस क्या लिया हमने, घर को मान लिया रेफरेंस, आप घर से कितना दूर जा रहे हैं, घर के रिस्पेक्ट में आपकी पोजिशन कितना, या आपका रूम जो है वहां पे आप लॉकडाउन है तो रूम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजिशन कितना चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे मोशन। द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मोशन नहीं हो रहा। द चॉइस ऑफ ए सेट ऑफ एक्सेस इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन इन 1D वी नीड ओनली वन एक्सिस, एक ही डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो सिंगल एक्सिस सफिशियंट है, टू डिस्क्राइब मोशन इन 2-3 डायमेंशन वी नीड ए सेट ऑफ 2 or 3 एक्सिस। एक्सिस का जो प्लूरल होता है बच्चों वो होता है एक्सिस, AXIS एक्सिस का प्लूरल है एक्सिस, जब भी एक से ज्यादा होंगे हम ये वर्ड यूज करेंगे। बच्चों फिजिक्स के साथ अंग्रेजी भी सीखनी है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखनी है, ये सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, कोई भी घटना हुई, डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चोजन फॉर द डिस्क्रिप्शन। तो कैसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से दैट ए कार इज मूविंग ऑन ए रोड, यू आर डिस्क्राइबिंग द कार विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू यू और टू द ग्राउंड, बट विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विद ए पर्सन सिटिंग इन द कार इज एट रेस्ट। तो आपके रेस्पेक्ट में तो कार चल रही है, पर जो व्यक्ति कार में खुद बैठा है उसके रेस्पेक्ट में तो कार रेस्ट पर है, क्योंकि वो भी उसी स्पीड से जा रहा है। टू डिस्क्राइब मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एन एक्सिस, से एक्स एक्सिस, सो दैट इट कोइंसाइड्स विद द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेम डायरेक्शन से कोइंसाइड कराते हुए हमने एक्सिस को चुना, वी देन मेजर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस, ओरिजिन से नापेंगे टू ए कन्वीनियंटली चूजन ओरिजिन से ओ एज शोन इन फिगर 3.1। तो वो फिगर अभी देखते हैं हम, पोजिशन टू द राइट ऑफ ओ आर टेकन एज पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ एज नेगेटिव। तो ये ओरिजिन है हमारे पास, राइट में जो पोजिशन है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट वाली पोजिशन नेगेटिव है। फॉलोइंग दिस कन्वेंशन, जैसे कि एक्स एक्सिस के लिए हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, इस फिगर में पी और क्यू के जो पोजिशन कोऑर्डिनेट हैं, अगर मैं उनको देखूं तो दिख रहे हैं +360 पी के और क्यू के हैं +240। सिमिलरली द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, आर के लिए देखेंगे तो -120। तो ये हमने डिफाइन किया पोजिशन को, स्थिति, पोजिशन हिंदी में बोलते हैं स्थिति, तो स्थिति क्या है, पोजिशन इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं पाथ लेंथ की। कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वी चूज द एक्स एक्सिस सच दैट इट कोइंसाइड्स, हमने एक्स एक्सिस को इस तरह से चुना, मान लो किसी कार का मोशन आप कंसीडर कर रहे हैं तो वो कोइंसाइड कर रहा है पाथ ऑफ द कार्स मोशन एंड द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस as the point from where the car started moving, reference point मान लिया। Car was at x equal to 0, t equal to 0 पर, वो x equal to 0 पर थी। Let P, Q and R represent the position of the car
at different instants of time. Consider two cases of motion. Pehla case, car moves from O to P. Then the distance moved by car is OP, जो कि 360 मीटर है. जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, O से P 360 मीटर. This distance is called the path length. तो हम इसको कहेंगे path length. इससे पहले हमने position को समझा, अब हमने समझा path length को. In the second case, the car moves from O to P and then moves back from P to Q. तो O से P तक तो आगे आ गई है, फिर वापस पीछे जा रही है P से Q, क्योंकि Q तो 240 पर है और फिर R तक भी जा सकती है. अभी P से Q तक गई है. During this course of motion, the path length traversed is OP plus Q. Total path कितना travel किया उसने? 360 plus, ये समझने की बात है, 120 पीछे गई. टोटल आ गया 480 मीटर. तो पाथ लेंथ किसको बोलेंगे हम? 480 मीटर. हालांकि वो पास आ गई ओरिजिन के, फिर भी पाथ लेंथ ज्यादा है जो उसने ट्रेवल की है. पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी. अभी स्केलर वेक्टर क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में. ए क्वांटिटी दैट हैज ए मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन. सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की. हमने समझा पोजीशन को, देन पाथ लेंथ को, अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट को. पाथ लेंथ को कई बार हम डिस्टेंस भी कहते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट उसका वेक्टर वर्जन है. इट इज यूजफुल टू डिफाइन अनदर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट एज द चेंज इन पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेट x1 and x2 be the position of an object at time t1 and t2, then its displacement denoted by delta x, agar main usko dikha raha hu, in time delta t2 minus t1 is given by the difference between the final and initial positions. Isko hum aise represent karte hain. To ye ho gaya displacement. To delta, ye jo Greek letter hai delta, ye change ko represent karta hai. Kisi quantity mein change ko represent karta hai delta. Agar change last abhi jo calculus hum pad rahe hain parallel lectures mein, wo humne discuss kiya. अगर ये डेल्टा के बजाय हम इस डेल्टा को दूसरी तरह से बनाते हैं, जैसे डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा चेंज को, ये वाला भी डेल्टा है, ये स्मॉल चेंज को, और डी नोटेशन में चले जाते हैं तो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में हम चले जाते हैं. तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको. अगर x2 x1 से बड़ा है तो डेल्टा x पॉजिटिव है, और x2 x1 से छोटा है तो डेल्टा x नेगेटिव है. डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. सच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स, जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. यू विल रीड अबाउट वेक्टर्स इन नेक्स्ट चैप्टर. प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन ओनली इन वन डायमेंशन मोशन. सो देयर आर ओनली टू डायरेक्शंस, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जब मोशन अलोंग वर्टिकल कंसीडर करेंगे. तो अभी हमें वेक्टर्स में जाने की जरूरत नहीं है. इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड दीज टू डायरेक्शंस कैन इजीली बी स्पेसिफाइड बाय प्लस एंड माइनस साइन. उससे हम दिखा देंगे, उससे हमारा काम चल जाए. फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन मूविंग फ्रॉम ओ टू पी इज, वो हो गया 360 मीटर x2 माइनस x1. देन डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है बोलेंगे हम 360 मीटर है, और डायरेक्शन है पॉजिटिव x डायरेक्शन, जैसे कि प्लस साइन से हमने दिखाया. सिमिलरली P से Q अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाए तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि हम रेफरेंस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं. तो ये होगा -120 मीटर. 240 में से 360 मीटर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की बिना वेक्टर नोटेशन के वो अपोजिट है. इसको मोशन इन 1D के लिए हम यूज कर सकते हैं. The magnitude of displacement may or may not be equal to path length traversed by an object. ये एक important concept है, इसको आप underline करेंगे और इसको हम समझ सकते हैं ऊपर के example से. Motion of the car O से P अगर हमने लिया तो path length कितनी थी? 360 meter, और displacement भी क्या था? O से P तक 360 meter. पर O से Q तक बात करें, in the case magnitude जो displacement का 360 meter था और वो बराबर था path length के,
बट कंसिडर द मोशन फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू. इन दिस केस पाथ लेंथ हो गई थी 480 मीटर जबकि डिस्प्लेसमेंट था. इनिशियल पोजिशन फाइनल पोजिशन दोनों का डिफरेंस यानी 240 माइनस 0 240 मीटर. दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 240 मीटर इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ 480 मीटर. दोनों में डिफरेंस आ गया. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए फोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट मतलब ऑब्जेक्ट वापस लौट के अगर वहीं पे आ गया जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा पर पाथ लेंथ 0 नहीं होगी. कई सवाल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ओ गेट्स टू गोस टू पी एंड देन वो अगर वापस आ जाती है रिटर्न्स टू ओ द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0 हाउएवर द पाथ लेंथ डबल हो जाएगी 360 प्लस 360 720 मीटर. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजिशन टाइम ग्राफ. तो ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में. इसमें इतना ही. थैंक यू.